अगर रेल की पटरी पर विद्युत धारा प्रवाहित करा दी जाए तो क्या होगा? यानी कि कहने का अर्थ है, इफ वी विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू रेलवे ट्रैक देन व्हाट हैपन। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अमन सर एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कुछ नया। कई बार ये क्वेश्चंस नए नए तरह के दिमाग को परेशान करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सभी इलेक्ट्रिकल अपडेट्स के लिए अवेलेबल है टेक्निकल प्रिपरेशन। तो चलिए जानते हैं आज का ये नया क्वेश्चन, यदि रेलवे ट्रैक को विद्युत धारा प्रवाहित करा दी जाए तो क्या होगा। देखिए, हमें पता है कि भारतीय रेल या कोई भी अन्य रेल बहुत ही अधिक वोल्टेज धारा पर कार्य करती है, यानी कि केवी में, किलो वोल्टेज में, जैसे कि 33,000 वोल्टेज, यह काफ़ी जो है अधिक मात्रा का वोल्टेज होता है, यानी कि किसी भी यातायात के साधन को बहुत ही सुरक्षा, यानी कि सभी नियम को, सावधानी नियम को जो है फॉलो करते हुए यूज़ किया जाता है और बनाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन अभी भी वही है कि यदि रेलवे ट्रैक को करंट की सप्लाई दे दी जाए तो क्या होगा। होगा कुछ भी नहीं। क्या पूरे ट्रैक में विद्युत धारा फैल जाएगी, यानी कि रेलवे ट्रैक तो पूरे भारत में है, क्या पूरे भारत में विद्युत धारा फैल जाएगी? नहीं, यही तो जानना है ना। देखिए क्या होता है कि रेलवे ट्रैक को अर्थिंग से जोड़ा जाता है, यानी कि पूरा ध्यान रखा जाता है कि अगर कहीं हाई वोल्टेज का प्रवाह हुआ तो ये जो है सीधे ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि सीधे अर्थ हो जाएगा, यानी धरातल में चला जाएगा और इससे सुरक्षा जो है प्रदान होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए सारे काम किए जाते हैं। तो यदि विद्युत धारा दे दी जाए तो पूरे ट्रैक में करंट नहीं फैलेगा, वो ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि वो धरातल में चला जाएगा और जिससे कि सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। लेकिन जिस जगह पर विद्युत धारा प्रवाहित कराई गई है, यदि उस जगह को स्पर्श किया जाए तो यहाँ पर जो है खतरा हो सकता है, यहाँ पर विद्युत धारा जो है वो किसी संपर्क में आ सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही सरल है। इसी तरह के नए इलेक्ट्रिकल अपडेट्स, नई जानकारी, क्यूरियोसिटी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।